भव्य परेड का निरीक्षण करेंगे। उनके आगमन पर उन्हें जल जल सल्यूट दिया जाएगा। उस समय 155 स्वर्ण की थी That's Group Captain Sachin Tendulkar arrived on the parade ground. Group Captain Sachin Tendulkar was conferred the honorary rank of a Group Captain during the 83rd Air Force Day. ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर का आगमन, जिन्हें 83वें वायुसेना दिवस के अवसर पर 2015 में कमीशन प्रदान किया गया था, उनका विधिवत स्वागत किया गया परेड स्थल पर। The motorcade of the naval chief. Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, ADC, has arrived. Nausena Adhyaksh, Admiral Karambir Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, ADC ka aagaman ho chuka hai. नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, जिन्हें जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। We are honored by the presence of few of our former chiefs of air staff whose vision and tenacity of purpose led the Air Force to become a formidable force to be reckoned with. The former chief, Air Chief Marshal S.K. Kaul, Air Chief Marshal N.C. Suri, Air Chief Marshal A.Y. Tipnis, Air Chief Marshal Krishna Swami, Air Chief Marshal S.P. Tyagi, Air Chief Marshal S.H. Major in the spectators' gallery. वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भी आज की इस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, जिनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर इन वायु योद्धाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लगातार परिवर्तित होने वाले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में वायुसेना के समक्ष नित नई चुनौतियां उपस्थित रही हैं, जिनका पूरी कुशलता के साथ वायुसेना ने वापसा किया है।
जनरल बिपिन रावत उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड मिसेस मधुलिका रावत हैव अराइव्ड। थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी का आगमन श्रीमती मधुलिका रावत के साथ में वायुसेना दिवस परेड के इस अवसर पर एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। It is said that behind every successful man is a woman. The Air Force Wives Welfare Association, or AFWA as we call it, is an integral part of the Indian Air Force. Under the guidance of its present president, Mrs. Asha Bhaduria, AFWA works to improve the quality of life of air warriors and their families. A step towards imparting skill and academic knowledge to the specially able children, AFWA has established a new Umeed Asha Kiran School at Air Force Station Chandigarh with state-of-the-art facilities. थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत उपस्थित वायु योद्धाओं का अभिवादन करते हुए उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से इस वायुसेना दिवस परेड के अगले कदम की प्रतीक्षा में ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर 83वें वायुसेना दिवस के अवसर पर जिन्हें विधिवत तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया, साथ में थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा का ध्वजवाहक ये वायुसेना दिवस परेड समारोह बड़ी संख्या में अपार जनसमूह आज के इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहां पर मौजूद हैं। बहुत सुबह से ही इन सभी अतिथियों का आगमन यहां पर आरंभ हो गया था अपना स्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। अनुशासित अंदाज में परेड में शामिल वायु योद्धा, जिसमें 253 वायु सैनिक हैं और 43 ऑफिसर्स शामिल, 4 स्क्वाड्रन, आगमन हो रहा है वायु शक्ति संगिनी कल्याण संस्थान यानी अफवा की अध्यक्षा श्रीमती आशा भदौरिया का। यह संस्थान श्रीमती आशा भदौरिया के मार्गदर्शन में वायु योद्धाओं और उनके परिवारों की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। अफवा के उद्देश्य हैं वायु सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण करना, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा संगिनियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। समय समय पर अफवा की सदस्याओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अफवा की वेबसाइट को नई तकनीक के साथ हाल ही में इंटरनेट पर जारी किया गया है और इससे
कई वायु योद्धाओं के परिवार लाभान्वित हुए हैं। मिसेस आशा भदौरिया।